हेलो स्टूडेंट्स, सो वी वर डिस्कस अबाउट द केमिकल काइनेटिक। और केमिकल काइनेटिक में अब तक हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन स्टडी कर लिया है। कंसंट्रेशन के हमने बहुत सारे पार्ट्स को स्टडी किया है, जिसके अंदर से फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर जो मेन है, और उसके अलावा भी यदि हमें इसके अलावा ऑर्डर को भी हमने कंसिडर करना हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रहेगा वो स्पेशली रहेगा गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए जब हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? प्रेशर के लिए। सो खास बात यह है, हमने प्रेशर के एस्पेक्ट को सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही कंसीडर करना है। मोर ओवर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सभी के सभी इफेक्ट जो है इसके सेम रहते हैं। बट हाँ, फर्स्ट ऑर्डर का जो इसका एक्सप्रेशन है एज यूजुअल, जैसा कि वो कंसंट्रेशन में था, बहुत इंपॉर्टेंट था, सेम वे में यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कुछ एक चीजें हम कंसंट्रेशन से रिलेट करेंगे अबाउट द प्रेशर, और फिर प्रेशर को स्टडी करेंगे और प्रेशर का फर्स्ट ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन है वो आज बनाएंगे। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द जनरल फार्मूला ऑफ द nth ऑर्डर रिएक्शन। जनरल फार्मूला क्या हो सकता है nth ऑर्डर के लिए, एंड वी हैव सम एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट सम एग्जाम्पल्स, कुछ एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजिनेशन का एग्जाम्पल है, जब भी कभी इथीन को हाइड्रोजिनेशन में लाया जाता है तो एल्केन बनता है, यानी कि इथेन बनेगा, दैट विल बी C2H6। So, ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की काउंट की जाती है, क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है इतना ज्यादा होता है कि जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ C2H4, यानी कि एल्कीन की कंसंट्रेशन की 1 पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ड्यू टू दिस रीजन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इन तरह के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेट्स टेक ए लुक ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एग्जांपल की दूसरी तरह में हमने यदि कंसीडर करना हो, क्योंकि यूजली एग्जाम के अंदर क्या दिया होगा, आपको जनरली कई बार ये रिएक्शंस ही दे दी जाएंगी और आपको ये नहीं दिया जाएगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तब हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, बिकॉज इट इज गिवन इन द बुक, और जो एनसीईआरटी में गिवन है वो चीज आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। सेकंड बात जो है वो है कि जो अगर मैं सेकंड इसका एग्जांपल लूं जो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स में आएंगे, दैट विल बी ऑल दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिके, artificial decay are the examples of first order। ये सभी के सभी first order के examples होंगे, ये भी ध्यान रखना है। जितने भी radioactive decay होते हैं, radioactive decay, जितने भी artificial या natural radioactive decay होते हैं वो सभी के सभी इसी का ही example है। से दैट इज रेडियम, इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 88 है और मास नंबर है 226। इसका जब रेडियो डिके होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, दैट विल कन्वर्टेड इनटू द हीलियम, दैट इज 2 and 4। तो यहां से 2 और यहां से 4 माइनस कर देंगे, सो दैट विल बिकम द रेडॉन, RN, दैट विल बी 86 and 224। So, इस तरह के डिके को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे इन द फर्स्ट ऑर्डर। इस तरह के डिके को भी हम फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा कंसिडर करेंगे जो रेडियो एक्टिव होंगे, चाहे वो आर्टिफिशियली हो चाहे वो नेचुरल हो, तो उनको भी फर्स्ट ऑर्डर में कंसिडर किया जाता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दिया जाएगा कि एक रिएक्शन देने के बाद ये दे दिया जाएगा कि ये रेडियो एक्टिव डिके है, पर ये नहीं दिया जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, वो हमें खुद ब खुद ही कंसिडर करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो थर्ड वन में हमने क्या देखना है, द डीकम्पोजिशन, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कुछ हद तक, जो नाइट्रोजन का डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ
ध्यान से देखना है N2O5 एंड N2O, इनका जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो भी इसमें कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में ही कंसीडर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नाउ वी विल कंसीडर दी जनरल इक्वेशन। यदि मुझे nth ऑर्डर का इंटीग्रल इक्वेशन निकालना है, यानी कि फॉर्मूला निकालना है, वो क्या होगा उसके बारे में अब बात करते हैं। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। यदि मुझे किसी भी ऑर्डर का एक्सप्रेशन रेडी करना हो तो मैं इस फॉर्मूला के अंदर से वो एक्सप्रेशन को रेडी कर सकता हूं। ऑल्दो हमने दो के तो ड्राइव किए हैं, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का। यदि मुझे सेकंड ऑर्डर का चाहिए, ये याद रखिए ये इंटेग्रल का ही है, दिस इज फॉर द इंटेग्रल। हमने टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में यहां रिलेशनशिप निकाला हुआ है, सो दैट इज ऑफ इंटेग्रल। तो याद रखना ये इंटेग्रल nth ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का इंटेग्रल nth ऑर्डर का यदि मुझे एक्सप्रेशन निकालना है तो मैं इस जनरल एक्सप्रेशन से भी उसको कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि जो n है, n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि 1 का जो है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 1 का जो फर्स्ट ऑर्डर का जो है एक्सप्रेशन, ये अपने आप में यूनिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको वही चीज याद रखनी है, दैट विल बी के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये है, और इसके यूनिट भी याद रखने हैं। जब के यूनिट होंगे, यूनिट ऑफ के यानी कि कांस्टेंट के यूनिट, दैट विल बी पर सेकंड। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर एन जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम 1 वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो हम ट्राई करते हैं, हमें जीरो ऑर्डर का भी हम एक्सप्रेशन यहां पर बना चुके हैं, तो उसको देखते हैं कि है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन को देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। सो दैट एक्सप्रेशन इज एन माइनस 1 के, एन माइनस 1 जो भी ऑर्डर का निकालना है उसमें से एक माइनस करना है, इज इक्वल टू दी 1 बाई टी ब्रैकेट में 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी रेज टू दी पावर एन माइनस 1। जिस भी ऑर्डर का निकालना है उसे कम की पावर में उसको रखना है, और यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर 1 में एक माइनस करना है, ठीक है, एन में एक 1 माइनस करना है। तो हम जैसे जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, फॉर पुट एन इज इक्वल टू 0, यदि हम एन को 0 पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज 0 माइनस 1 दैट विल बी माइनस के इक्वल टू 1 बाय टी। यहां पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, सो यहां पर 0 है तो दैट विल बी आर टी रेज टू दी पावर माइनस 1, यहां पे माइनस ऑफ आर नॉट रेज टू दी पावर माइनस 1, ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। सो एक बार टी को इधर ले जाते तो माइनस के टी इक्वल टू यहां पर अंदर क्या रह जाएगा आर, ये माइनस पावर है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो आर टी पावर 1 हो गई माइनस आर नॉट पावर 1 हो गई, ठीक है। इस माइनस को जब अंदर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस सॉरी के टी इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी आर नॉट माइनस आर टी, और एक को किसी को भी नीचे ले जाइए। तो यही एक एक्सप्रेशन था जो हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर। यहां पर एन 1 के इक्वल तो नहीं होगा, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से 3 के 4 के आप किसी के भी यहां पर उसको इक्वल रख के ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय दिस जनरल एक्सप्रेशन। इस जनरल एक्सप्रेशन से आप कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन को बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके। सो नाउ वी विल कैलकुलेट दी फर्स्ट ऑर्डर फॉर दी प्रेशर पर्पसेस, ठीक है। वी आर डूइंग नाउ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रेशर। हम अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रेशर को कंसिडर करके उसका एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर। यूजली प्रेशर और कंसंट्रेशन में इतना कोई फर्क नहीं होता है, सभी के सभी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कंसंट्रेशन के वो एग्जैक्टली सेम होते हैं प्रेशर के साथ। बट हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर यहां भी थोड़े से चेंजेस हैं,
उसी चेंजेस को यानी कि उसी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ओनली, ठीक है। सो इसी के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, से ए विल बी कन्वर्टेड इनटू द बी प्लस सी, सो ऑल आर कंसीडर इन गैसेस, सभी के सभी को किस में कंसीडर करना है, हमने गैसेस में कंसीडर करना है, ठीक है। से जो अगर टाइम जीरो है तो इसका इनिशियल प्रेशर हमने क्या कंसीडर कर लिया, पी आई, उस टाइम पर ये क्या रहेंगे, जीरो एंड जीरो, ठीक है। एट टाइम टी, टी टाइम पर क्या होगा, यदि यहां से एक्स मोल जो है वो रिमूव हो जाए मतलब कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, तो इसका भी एक्स मोल बनेगा और इसका भी एक्स मोल बनेगा। सो यहां पर हमने इस चीज को कंसिडर करना है, तो हमें तो सिर्फ रिएक्टेंट के बेसिस पर बात करनी है। रिएक्टेंट के बेसिस पर जब हम बात करेंगे तब हमने इस फॉर्मूले को कंसिडर करना है, क्योंकि हमने रिएक्टेंट पर ही इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन को कंसिडर करना है। याद रखेंगे रूल वही लगेगा जो कंसंट्रेशन का होगा, दैट विल बी के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग। वहां पर हमने कंसंट्रेशन के लिए बात की थी, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, यही बात की थी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां तो सब कुछ सेम रहेगा, यहां तक, यहां पर कंसंट्रेशन की जगह आ जाएगा इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर, बस इतना चेंज होने वाला है। वही हमें कैलकुलेट करना है कि इनिशियल प्रेशर क्या रहेगा और फाइनल प्रेशर क्या रहेगा। इनिशियल प्रेशर के लिए तो हमारे पास है दैट विल बी पी आई, फाइनल प्रेशर के लिए हमें ये पी आई माइनस एक्स, हमें एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और वो यहां पर पुट करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। सो हम इस जो एट टाइम टी पर जो प्रेशर है उसको क्या बोल देंगे, पीटी, पीटी प्रेशर एट टाइम टी, टी टाइम पर हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना है, पीटी है। अब पीटी कितना हो जाएगा, टोटल पीटी विल बी द सम ऑफ ऑल, कि इस दौरान सारा का सारा प्रेशर इतना है, तो दैट इज पीटी इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, ये हो गया, एक एक्स से एक एक्स कैंसल आउट हो गया, तो पीटी किसके इक्वल आ गया, पी आई प्लस एक्स। तो क्या मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, तो एक्स विल बी पीटी माइनस पी आई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पीटी माइनस पी आई। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें, क्योंकि हमें यहां से एक्स हटाना है, जो फाइनल यहां पर फाइनल कंसंट्रेशन फाइनल प्रेशर के अंदर जो आया है उसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू को पुट करना है। सो इस एक्सप्रेशन को वन बोल देते हैं, इस एक्सप्रेशन को टू बोल देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन वन, वन के अंदर पुट करेंगे, सो दैट विल बी द टी टाइम पर हमारे पास यहां पर क्या प्रेशर होगा, द पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन वन, वन के अंदर जब पुट करेंगे तो दैट विल बी पी आई माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू को जब हम पुट करने वाले हैं यहां पे, तो पी आई माइनस ऑफ पी टी माइनस पी आई, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस अंदर एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी टी प्लस पी आई, तो पी आई और पी आई क्या हो गया, टू पी आई, टू पी आई माइनस पी टी। सो एट टाइम टी पर ये फाइनल प्रेशर हो गया, दैट विल बी द फाइनल प्रेशर, ये क्या हो गया मेरे पास, फाइनल प्रेशर एट टाइम टी, ये टी टाइम पर मेरा फाइनल प्रेशर हो चुका है, क्लियर हुई बात। सो ये जीरो पर है और ये टी पर हमने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके फाइनल प्रेशर यहां पर बना लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला वही का वही है, ये रहा फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर, तो वो यहां पर हम एप्लीकेबल कर देते हैं। फिर से के इज इक्वल टू दी 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इज पी आई, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर क्या रहेगा, टू पी आई माइनस पी टी, ये मेरे पास फाइनल प्रेशर हो गया। सो ये मेरा एक्सप्रेशन जो होगा, दैट एक्सप्रेशन इज फॉर प्रेशर, ये प्रेशर का एक्सप्रेशन हुआ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा सा चेंजेस है इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर 2 पी आई माइनस पी टी बनेगा, ठीक है। एट टाइम टी पर क्या प्रेशर है उसको दो से मल्टीप्लाई करके इनिशियल प्रेशर को उसमें से माइनस करना है, यही थोड़ा सा चेंजेस है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर दी, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन रहता है कंसंट्रेशन के लिए, दैट इज 2.303 डिवाइडेड बाय टी log
इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज सिंपल। बट यहां पर फाइनल जब प्रेशर रखेगा तो दैट इज 2 इंटू में पी आई माइनस पीटी, ये बनेगा। इन दोनों में ये चेंजेस है, ओके ध्यान रखना इसका।